बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ उत्तर मध्य रेलवे के CPRO तरुण जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तरुण जैन जी, जिस तरह से देखा जाए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काफी फायदा इसमें देखा जा रहा है, लेकिन इसके फायदों को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अधिकारी हूँ और ये उत्तर पश्चिम रेलवे में इस जो पूरा जो कॉरिडोर है उसका करीब करीब 37 से 38% पास होगा। जो जहाँ तक इसके फायदे की बात की गई है, इसके फायदे को हम देखें तो ये जो क्षेत्र के विकास के लिए ये जो जब कॉरिडोर बन जाएगा एक बहुत इसमें फायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि जैसे ये कॉरिडोर बन जाएगा यहाँ से जो मालगाड़ियों का परिवहन है उसको बड़ी गति मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसे ही ये गति मिलेगी वैसे वैसे ही यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इस एरिया में वो इस कॉरिडोर के कारण वो उनकी जो है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी और वो नेशनली और इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी राजस्थान में और हमारे उत्तर पश्चिम एरिया के रेलवे के एरिया में वो अपने को नेशनली और इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगी। तो इसके कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए वेस्टर्न कॉरिडोर की हम ये बात कर रहे थे, लेकिन इसको ईस्टर्न कॉरिडोर से जोड़ने के लिए क्या कुछ योजना बनाई जा रही है? देखिए ईस्टर्न कॉरिडोर जो हमारा धुनकनी से लेके लुधियाना तक जाएगा उससे इस कॉरिडोर को हम दादरी के पास स्टेशन है वहाँ पर जोड़ेंगे और जो है यहाँ से गाड़ी अगर हमें ईस्टर्न कॉरिडोर में ट्रांसफर करनी हो तो वहाँ पर कर पाएंगे। तो ये दोनों कॉरिडोर आपस में एक पॉइंट पर जुड़ जाएंगे जिससे कि कहीं पर भी गाड़ी का आदान प्रदान हो सके। इसके साथ साथ ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें जगह जगह पे भारतीय रेल का जो नेटवर्क है उसके साथ हमारे जंक्शन स्टेशंस होंगे जिससे कि गाड़ियों को हम भारतीय रेल के सर्किट से इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डाल सकेंगे या उनसे वापस भारतीय रेल के सर्किट में ले सकेंगे ताकि वो आगे अपने गंतव्य स्थान पर जो फीडर रूट्स हैं उस पर भी जा सकें। तरुण जैन जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए इस कॉरिडोर का जो फायदा है वो सीधे राजस्थान के लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और किस किस जगह पर इस कॉरिडोर का फायदा होगा, लोगों तक कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए इस कॉरिडोर, ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इस क्षेत्र से पास होगा। तो इसके यहाँ से पास होने से इन क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास है उसको डायरेक्ट रूप से गति मिलेगी। जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट में खाटूवास पे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक भारतीय रेल का उपक्रम है उसने देश का सबसे बड़ा जो है ICD कम जो है एक ये फ्रेट टर्मिनल बनाया है, PFT बनाया है, जहाँ से अभी जो है डबल स्टैक के कंटेनर जो वेस्टर्न पोर्ट्स हैं मुंद्रा के और पिपावा के वहाँ के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इससे जो है लोगों को जो कंटेनर भेजने की जो लागत है उसमें कमी आ रही है और इसके कारण वो जो है अपना जो माल है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पे बेच पाने में सफल हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जैन जी आपका जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल इस कॉरिडोर से फायदा बहुत होने वाला है और 2019 तक इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।